वो मैं था पायलट ऑफ द प्लेन जो यहाँ तक इनको लेके आया। मैं पेट्रोल के जहाज की सीट पे बैठ गए कि मैं पायलट हूँ, पता कुछ नहीं स्टार्ट कैसे होने, चलना कैसे, सही के साथ 25 किलो दाल घोटी जाएगी, इससे लस्सी बनाते। वेलकम टू के ई व्लॉग्स। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है कुछ बहुत ही खास, बहुत खास कुछ बनने जा रहा है और आपको हम अपनी इस सारे खास मामले में साथ साथ रखेंगे और आपको मैं सारा साथ साथ दिखाती रहूँगी कि आखिर आज हमारे किचन में ऐसा खास क्या होने जा रहा है और कल ऐसा क्या खास है जिसके लिए ये खास होने जा रहा है। तो स्टे ट्यून और ब्लॉग पूरा देखेंगे तो आपको पता लगेगा आगे आगे देखिए हम क्या करें। आज कुछ होने लगा है खास और खास क्या होने लगा है, खास दिन की मुनासबत से खास प्रोग्राम होने लगा है जो कि हम बनाने लगे हैं हलीम, और पीछे बहुत शोर हो रहा है, एक गैमा गैमी है, आफत ज्यादा काम हो रहा है। ये दाल जो है यहाँ पे सारी भी भिगोदी गई है और मेरे हबी जो हैं वो अब कुछ काम स्टार्ट करने लगे हैं। सुने, मैं बस आ गई हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। आज हम कुछ खास करने जा रहे हैं। सुने, पीछे बहुत शोर आ रहा है, पहले पीछे शोर कम निकला, शोर आ रहा है लेकिन आज हम कुछ खास करने जा रहे हैं जो अपने व्यूअर्स को भी हम साथ साथ दिखाएंगे। ठीक है, खास दिन की मुनासबत से खास काम स्टार्ट हो गया काम। हाँ जी, ये शेफ उमर हमारे साथ है। ये तो अभी आपके मियां ने कहा है कि अभी थोड़ी सी है, अभी और भी आएगी। ये तो अभी स्टार्ट हुआ है राना, अभी स्टार्ट हुआ है काम। शेफ हमारे साथ है, देखो जरा कैमरे में आने के लिए। यहाँ तक ये यहाँ तक पहुँचाया ही तुम्हें मैंने, वो मैं था बिल्कुल पायलट ऑफ द प्लेन। हाँ जी, वो मैं था पायलट ऑफ द प्लेन जो यहाँ तक इनको लेके आया। ये सिर्फ डोइयां ही मार सकते हैं लोगों की, बगैर पेट्रोल के जहाज की सीट पे बैठ गए कि मैं पायलट हूँ, पता कुछ नहीं स्टार्ट कैसे होने, चलना कैसे, इस डोई के साथ 25 किलो दाल घोटी जाएगी, इससे लस्सी बनाते, इससे 2 किलो लस्सी नहीं बनती, 25 किलो दाल घोट के दिखाएगी। सुने आपने कैसा वैसे टास्क दिया सबको, आप यही देख वाला बुला लेते तो आसानी ना हो जाती। ये मजे आते, मजा आ रहा है, मजा नहीं आता, मजा आ रहा है। एक घोटा अंदर जाने लगा था, कौन जाता है इतने गहरे कुएं में, अब इसको बांध के उतारते निकालने के लिए सारा इधर घोटा लग रहा है। अच्छा, ये डेंची रखी है फॉर द बैकअप। कल मैं गया हुआ था पाकिस्तान से। अच्छा अच्छा, दोस्त ने मेरे कहा कि ना यार उधर बहिश्ती दरवाजा है उसमें से गुजरो तो जन्नत ही हो जाते। अच्छा, हम प्रोटोकॉल में वहाँ चले गए, हम गुजर भी आए अल्हम्दुलिल्लाह उधर से। जन्नती हुए नहीं हुए वो अल्लाह जानता है, लेकिन अगर मुझे पता होता ना कि मैंने एक दिन बाद ये करना तो मैं उधर ना जाता, क्योंकि ये करके मैं जन्नती हो जाता। दो आपको सारा नोट किया जा रहा है, कैमरे के लिए आप चम्मच ला रहे हैं। ये देखे ना, यहाँ उनको पता लगा कैमरा बंद हो गया, बस वो डोई बाहर आ गई। किचन का जो सारा काम आप संभाल रहे हैं ना, ये यहाँ तक इनको पहुँचाने वाला मैं ही हूँ। किचन का क्या काम है, ये बातें कुकर डालना, डालने सारे दाल कुकर में डालनी, चूल्हे पे रख देनी और बाहर आ जाना, बस बड़ा आसान काम है। ये जो दाल बनेगी ना इसमें सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन डलेगी, इन्होंने इतनी इतनी मेहनत की है, मेहनत सबकी डलती है। ये आम अलीम नहीं बन रहा, बाकी मटन हो गया, देखा मटन गल गया कि नहीं गला अभी तक, अच्छी तरह गल रही है। देखो इसमें पता भी नहीं लग रहा कि मटन के कोई फ्लेक्स हैं, इतना अच्छा गल गया, देखो चेक करो। नहीं मटन अंदर अभी डाले नहीं है मटन इसमें, आपको लग रहा है कि मटन आ गया, मुझे लगा आ गया। लो अभी मटन अंदर है, मटन एंड पे जाएगा फ्राई होके, उसके ऊपर तड़का लगेगा, फिर मटन के साथ घुटेगी, और वो भी उमर देसी घी का तड़का लगेगा, पंजाब देसी घी, पंजाब ऑल पर भी नहीं हलीम भी नहीं पंजाब, जीला एक नशा है। हम भी पिलाएंगे, जीला एक नशा है, एक नशा है। आपने इतना बड़ा टास्क लिया, अब देखते हैं आप कितने बजे कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं ये सुबह तक लगे रहेंगे, लग रहा है दोपहर तक चलेगा, दोपहर तक चलेगा, मुझे तक लगेगा, ये 12 बज जाएंगे। अब ये जो है मेरे हबी अकेले लगे हुए घोटा लगाने, और दो दो घोटे पकड़े हुए हैं, सुने पसीनो पसीन। मैं 4 घोटे आपको पता नहीं अभी मेरी हिडन क्वालिटीज का। जी, कब तक रेडी होगा ये सुने, ये अभी तो ये थोड़ा सा आया, अभी तो बाकी पक रहा है, अभी सुबह तक होगा ये। हाँ जी, ऐसे ही है, और ये लग रहा है प्याज को तड़का, और ये कैसे बैठ के लगा रहे हैं सुने, जरा दिखाना। थक चुके हैं इस वक्त, अब दिन हो चुका है, अब दिन हो गया, वह एंड हो गया, बस अब फाइनल तड़का लग रहा है।
जी तो अब फाइनल टाइम आ गया था और अब जो मेरे हबी हैं वो तड़का लगा रहे हैं। पहले देसी घी का भी लगाया, सादे घी का भी लगाया, प्याज का भी लगाया, लाल मिर्चों का। मेरे हबी की सारी ये अपनी ही रेसिपी है, अपनी ही रेसिपी से उन्होंने बनाया है और बड़े ही मज़े का बना था, बहुत ही। दाल नहीं, दाल देसी घी का तड़का लग गया है। अच्छा, और तड़के को हम लग गए हैं आज, हमने भी बेड़ा कर किया अपना और दाल का भी। अच्छा जी, तो बस अब ये रेडी हो गई है जी, पक्की बात है? अभी तक तो पक्की यही बात है। तो नान का ऑर्डर क्या सीन है? नान आ रहे खुद ही चल के? खुद ही चल के। अच्छा चले जी, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अब ये रेडी हो गई है। ठीक है, अब ये नान आते हैं फिर आपको तब दिखाते हैं इसकी फाइनल और लुक। जी तो अब फाइनल टाइम आ गया था कि जो सारा हलीम रेडी किया, नान मंगवाए, उसको सही तरीके से रेडी करना था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से डिसाइड किया था कि हाफ़ हमने नान के ऊपर लगा दिया था और हाफ़ हमने जो है वो पैकेट्स बना दिए थे और उनके साथ नान दे दिए थे, यानी टू डिफरेंट तरीक़ों से हमने उनको रेडी किया। तो पैकेट्स हमने कुछ इस तरह से बनाए थे और नान के ऊपर हमने कुछ इस तरह से लगाए थे। तो इस तरह से हमने रेडी किया था और हमने गरीबों में बांटा था। ले जी, राउंड टू शुरू होने लगा है और शुरू होते ही खत्म होने लगा है क्योंकि हम अपने थक चुके हैं फुल फ्लैग। नहीं सुने, सुबह का राउंड कंप्लीट करके बांट के हम तो सो के उठे हैं, थके कि अब तो हम फ्रेश हैं। सो के भी तो थक जाता है ना बंदा। हाँ, अब तो हम फ्रेश हैं दोबारा। शाम का टाइम शुरू हो गया, सुबह का टाइम हमने कर लिया, अब शाम का टाइम हमारा शुरू हो चुका। चले जी, अब हम दोबारा से स्टार्ट हो गए और अब हम शाम की दुकानदारी लगा के बैठ गए। ग्राहकों का रश है और हुकूमत खामोश है। ठीक है, सुबह जो बनाया था वो मैंने खुद बनाया था सारी रात लगा के। हाँ। ये जो है ये बाहर से केटरिंग वालों से देख बनवाई थी, तो उसका है ये चक्कर। हाँ, और मामा कह रही हैं कि जो आपने बनाया था वो ज्यादा अच्छा था। और मामा कह रही हैं कि जो आपने बनाया था वो ज्यादा अच्छा था। और पापा कह रहे हैं कि दोनों ही अच्छे थे। अच्छा। और दादा कह रहे हैं कि सारे ही अच्छे होते हैं, नान अलीम होना चाहिए बस। फुल मामा को टेंशन हो गई है कि ये कल सुबह से लगे पूरा लाहौर सोएगा फिर आसान निकलेगा सड़कों पे। ये हम बांटने आ रहे हैं आप लोगों को, उठा उठा के ना दोगे ये अल्लाह के वास्ते, लीम खा लो लीम खा लो मामा। इसलिए सुबह की शिफ्ट हमने कंप्लीट कर ली थी, ये वो हमने नाश्ता करा दिया था कि हम डिनर करा रहे हैं। अच्छा जी, तो रेडी टू डिलीवर हो गया है और आप ये ना समझे कि कोई ऑर्डर लिया हुआ। हाँ। ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी है। सुबह की लॉट हमने अलग डिस्ट्रीब्यूट कर ली थी, शाम की हम अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बड़े दिन के साथ बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है। इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में ऐसे ही मिलेंगे। हंसते खेलते थे, एंजॉय करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दिल लगाई जितने लोगों ने भी डिस्ट्रीब्यूशन की, अल्लाह पाक सबकी कबूलो मंजूर फरमाए और हमें इसी तरह हंसी खुशी रहने की तौफीक अता फरमाए और हम इसी तरह बांटते रहें और खुश रहें। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। ये छोटा सा क्लिप आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि बच्चे भी हमारे साथ उतना ही इन्वॉल्व थे, जितने के बड़े एक्साइटेड थे उतने ही बच्चे भी एक्साइटेड थे, तो बहुत मज़ा आया।